मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर और डीआईजी राजेश जी मोदक ने सोमवार को जीरो पॉइंट कालेश्वर का निरीक्षण किया तथा वहां पर प्रवासी श्रमिकों को बसों के माध्यम से उनके जनपदों को भेजे जाने की स्थिति का जायजा लिया और निर्देश दिया कि जीरो पॉइंट कालेश्वर पर आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए खाने एवं पीने का पानी तथा छाया के लिए टेंट आदि की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही वहाँ पर शौचालय आदि का भी प्रबंध की जाए। उन्होंने कुशीनगर जाते हुए तेनुआ टोल प्लाजा गोरखपुर एवं श्रमिकों को ले जा रहे तीन ट्रकों को भी सीज कराया और ट्रकों पर बैठे श्रमिकों को बसों के माध्यम से भिजवाने का निर्देश दिया। उसके बाद मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कुशीनगर जनपद के सुकरौली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय डुमरी मलाओक में 10 निगरानी समितियों के सदस्यों के साथ बैठक कर उनका हौसला बढ़ाया। मंडलायुक्त ने कहा कि निगरानी समिति के सदस्य भी मास्क आदि लगाए क्योंकि लोग आपसे भी प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना एक ऐसा वायरस है, इसका अभी तक इलाज नहीं मिला है, सावधानी ही इसमें सबसे बड़ा बचाव है। निगरानी समिति के सदस्य बाहर से आने वाले सभी लोगों की विस्तृत जानकारी उच्च अधिकारी को दें तथा उनके स्वास्थ्य आदि पर नियमित निगरानी रखें। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश सिंह तथा जनपद कुशीनगर की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हाँ सर, राम प्रधान लोग भी हैं सर, राम जी लोग हैं सर। तीसरे मनरेगा कार्ड में सर, मनरेगा के बारे में बताया है कि जो लोग गांव से बाहर से आए हैं अगर वो इच्छुक है काम करने के लिए तो अधिकारी पर हमारे पंचायत के प्रधानगण आशा कर्मिका आतंकवादी कर्मी रंगे भाई बने आपको हमारे आने से पूर्व की कई चीजें कही गई होंगी। कुछ बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ये सही बात है जो डीआईजी साहब कह रहे हैं कि जैसे ही हम लोग इस प्रांगण में हम लोगों ने प्रवेश किया, जो आपने ये दो गज की दूरी का कॉन्सेप्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है, उसको जो आप आज प्रदर्शित कर रहे हैं ये बहुत ही अनुकरणीय है। सबसे पहली चीज, निगरानी समिति को यदि मुझे कुछ कहना होगा तो मैं ये कहूंगा कि आपका आचरण कैसा है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि आप गांव में जाएंगे, आप तीन से चार लोग जाएंगे और पता चला आप ही लोग मास्क नहीं लगाए हैं, आप ही लोग दूरी नहीं रखे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो ये फिर कोई आप दूसरी सीट किसी और को दे नहीं पाते।